नमस्कार, मैं वैशाली। आज मैं बना रही हूँ हरे धनिया और लहसुन की चटनी, क्योंकि आपको पता ही है कि भारतीय जो खाना होता है बिना चटनी के अधूरा सा होता है, क्योंकि हमें कुछ चटपटा खाने को चाहिए होता है। अगर सब्जी हो, दाल हो, साथ में चटनी ना हो तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। तो आज मैंने जो ये चटनी बनाई है हरे धनिया की, तो इसमें मैंने लहसुन डाला है और लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। हरे धनिया की चटनी तो वैसे हम नॉर्मली टमाटर के साथ भी बनाते हैं, जो बढ़िया लगती है खाने में, पर इसका टेस्ट कुछ ज़बरदस्त आता है। और मैंने इसे बिना पानी के पीसा है तो इसका टेस्ट और भी अच्छा लगता है। और इस हरे धनिया और लहसुन की चटनी को आप काफी चीजों के साथ में खा सकते हो। रोटी पराठे, दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। आप इसको ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करके भी खा सकते हो, सैंडविच जब आप बनाते हो। और नॉर्मली जो चटनी का यूज हम करते हैं वो पकौड़ों के साथ में, समोसे के साथ में, और ढोकले के साथ में, इडली के साथ में, डोसे के साथ में भी ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से मैंने आज ये हरे धनिया और लहसुन की चटपटी चटनी बनाई है। तो ये देखिए, हरे धनिया और लहसुन की चटपटी चटनी बनाने के लिए मैंने लगभग 1 कप के करीब हरा धनिया लिया है, जिसे अच्छी तरह से धो लिया है। और चटनी बनाने के लिए अगर इस तरह से नरम नरम टहनिया है तो वो ज़रूर ले, इससे क्वांटिटी भी बढ़ती है और टेस्ट भी बढ़िया आता है चटनी का। और 1 हरी मिर्च ली हुई है मैंने, तो जितना आपको तीखा करना उस हिसाब से मिर्च ले सकते हो। मैंने 1 ही ली क्योंकि काफ़ी तीखी मिर्च है। और लहसुन हम इसमें ज़्यादा डालेंगे, तो ये बड़ी कली थी लहसुन की, तो मैंने 2 ही कलियाँ ली हैं, तो इसमें लहसुन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप मात्रा बढ़ा भी सकते हो। और मैं इसमें डालूंगी आधा नींबू का रस, और यहाँ पर मैंने आधा चम्मच जीरा लिया हुआ है, आधा चम्मच यहाँ पर सेंधा नमक लिया हुआ है। तो शुरू करते हैं चटनी बनाना। देखिए, हरे धनिया और लहसुन की चटनी पीसने के लिए मैंने छोटा वाला मिक्सर जार ले लिया है, तो अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और मैं इसमें लहसुन भी डालूंगी। और मिर्च को ऐसे ही तोड़ करके डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, नमक, और अब मैं फिर से इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, क्योंकि हरा धनिया ज़्यादा लेंगे क्वांटिटी तो कम हो जाती है, तो 2 बार में धनिया डाल के पीस लेंगे। तो मैं इसमें डालती हूँ नींबू का रस, तो आप 1 या आधा नींबू का रस अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हो। तो ये देखिए, अब इसमें नींबू निचोड़ दूंगी, ये देखिए। और अब मैं मिक्सर का ढक्कर लगा दूंगी और चटनी पीस लेंगे। और मैं इसे बिना पानी के ही पीसूंगी, थोड़ा थोड़ा सा चलाएंगे तो चटनी बढ़िया पीस जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं पीसेगी बिना पानी के, आप चाहे तो पानी डाल के भी पीस सकते हो। तो ये देखिए, हरे धनिया की चटनी पीस चुकी है, ये देखिए। और मैंने इसे बिना पानी के ही पीसा और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया ये चटनी पीस चुकी है, और हल्की सी गाढ़ी रहती है बिना अगर हम पानी के पीसते हैं तो। नींबू का रस भी डाला है तो उससे आराम से पीस जाती है, तो आप चाहे तो पानी डाल सकते हो। तो ये चटपटी चटनी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए, हरे धनिया और लहसुन की चटपटी चटनी पीस के तैयार है खाने के लिए, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप इसको रोटी पराठे के साथ तो खा ही सकते हो, आप इसको ब्रेड के ऊपर भी स्प्रेड कर सकते हो, सैंडविच जब आप बना रहे हो। तो आप भी इस हरे धनिया और लहसुन की चटनी को जरूर ट्राई कीजिए, और जब भी बनाते हैं तो बताना ना भूलें कि आपको चटनी की रेसिपी कैसी लगी।